गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्राफ्ट अकेडमी, क्राफ्टिंग यंग माइंड्स। दिस इज द न्यू लेक्चर फॉर 8th स्टैंडर्ड ICSE स्टूडेंट्स एंड द सब्जेक्ट दैट वी आर डीलिंग विद इज ज्योग्राफी। ओके, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, दैट इज एशिया, द एशियन कॉन्टिनेंट आई विल से। ठीक है, दिस इज मी प्रेजेंटेड बाय ज़ाहिर सर। अच्छा, अब देखिए, ये एक पूरी तरीके से नया टॉपिक है। पिछले ज्योग्राफी में हमने जो पढ़ा है वो पूरा अलग है। ठीक है, अब देखिए, दुनिया मतलब ये पूरा वर्ल्ड मैप है। आपको क्लियरली वर्ल्ड मैप दिख रहा है बेटा? वर्ल्ड मैप क्लियरली दिख रहा है? गिव मी अ थम्स अप। गाइस, ओके ओके, दिख रहा है ना? सभी को दिख रहा है वर्ल्ड मैप क्लियरली? ओके ओके, अब देखिए, यहां पर हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है, ये तो अभी एक फ्लैट, मतलब एक तरीके से मैप में है, फ्लैट है, इसीलिए आपको सब पूरा दिख रहा है। लेकिन क्या एक्चुअली ये राउंड है ना, शेप थोड़ा गोल है, राइट? तो अब यहां पर क्या है, यहां पर कहेंगे कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। नेमली सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है ना पूरे दुनिया का, वो है एशिया। क्या है ये? एशिया। ठीक है, ये एशियन कॉन्टिनेंट जो है ना, ये यहां से कहेंगे कि ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, इतना पार्ट पूरा, ठीक है, ये एशिया है। ओके, ये पूरा कहेंगे एशिया है, राइट? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। क्या है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। और उसके बाद क्या है? तो उसके बाद बारी आती है अफ्रीका की। किसकी? अफ्रीका। ये अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट। फिर क्या है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एंड आफ्टर दैट साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, एंड देन ऑस्ट्रेलिया, और फिर एंटार्क्टिका। ठीक है, राइट? तो ये इस तरीके से हमारे वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स डिवाइडेड है। अब देखिए, आपका जो टॉपिक है ना, उसका पहला ही आपका जो चैप्टर है उसका पहला ही टॉपिक क्या है पता है? उसका पहला ही टॉपिक है लोकेशन, लोकेशन ऑफ एशिया। ठीक है, लेकिन उसको जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि ये पूरा वर्ल्ड है ना, इसको हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस से डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है? इमेजिनरी लाइंस से। एक्चुअली में है नहीं वो, ठीक है, एक्चुअली में वो लाइंस है नहीं, लेकिन क्या है, हमने इसको डिवाइड किया है। डिवाइड किया है किसमें? कुछ इमेजिनरी लाइंस में, जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, और दूसरा जो है उसको कहते हैं लॉन्जिट्यूड। ठीक है, अब ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या होता है? तो कहेंगे लैटिट्यूड जो है वो सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। कैसी लाइंस है? हॉरिजॉन्टल्स। और ये लॉन्जिट्यूड है वो क्या है? सारी वर्टिकल लाइंस है। अब ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है? ठीक है, अब जरा मुझे कमेंट करके बताइए, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की, ये लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? एच और वी में आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में एच और वी बताइए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है? कमेंट करो फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अभी गूगल सर्च करने के बाद बैठना। ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ओके ओके, चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों को क्लियर है। ओके, हॉरिजॉन्टल है। क्या है ये लाइन? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये वाला लाइन जो होगा ये कौन सा होगा? फिर वर्टिकल होगा। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को याद रखने के लिए, ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है ना ऐसे, ठीक है, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर ये समझना है, कभी फ्यूचर में कभी गड़बड़ा जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, तो समझ लेना लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड होता है लेटी हुई लाइंस। लेटी हुई लाइंस को क्या कहते हैं हम लोग? लैटिट्यूड। ठीक है, ऐसे याद रखना। ओके, और लॉन्गिट्यूड उसका उल्टा, या लॉन्जिट्यूड उसका उल्टा। ओके, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं अपने, कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, वर्टिकल किसको कहते हैं, तो कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल का मतलब लेटी हुई लाइंस। लेटी हुई लाइंस को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं।
ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने पूरे वर्ल्ड को बहुत सारे कहूंगा कि लैटिट्यूड्स में, ठीक है, बहुत सारे लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया है, ओके। और एट द सेम टाइम हमने हमारे वर्ल्ड को बहुत सारे लॉन्जिट्यूड्स में डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया है? लॉन्जिट्यूड्स में, ओके ओके। अब देखिए, आपको पता है हमने कितने लॉन्जिट्यूड्स है हमारे पास और कितने लैटिट्यूड्स है जिसमें हमने हमारे वर्ल्ड को डिवाइड किया है? द नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स एंड द नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड्स दैट वी हैव, डू यू नो? प्लीज कमेंट ऑन दैट। डू यू नो दैट? यस, नॉर्थ अमेरिका बड़ा है, 108 में सर, 108 में। और कोई किसी को पता है बेटा? अगर नहीं पता है तो नो बोल दो फटाफट, ना ना लिख दो, नो 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 लिख दो फटाफट, ठीक है। अब इसमें गूगल करने नहीं बैठना है। 181, नो, ओके, नो, ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो, तो जैसे कि आपको अभी मैंने वर्ल्ड मैप दिखाया, अब कुछ समझाता हूं। तो हमने पूरा वर्ल्ड को डिवाइड किया है इनटू 360 लॉन्जिट्यूड्स। किसमें? 360 लॉन्जिट्यूड्स है। और लैटिट्यूड्स कितने हैं? तो कहेंगे 180 लैटिट्यूड्स है। कितने लैटिट्यूड्स है? 180 लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का मतलब लेटी हुई लाइन, ठीक है, ऐसी। और लॉन्जिट्यूड्स का मतलब ऐसी वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। इतने हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है। अब देखिए, ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो वर्ल्ड है, अब यहां से एग्जैक्टली बीच में से, ठीक है, यहां पे दिख नहीं रहा, रुको मैं थोड़ा रेड कलर ले लेता हूं तो शायद आपको क्लियरली दिखेगा। रेड नहीं, ब्लैक लेता हूं, ब्लैक में शायद क्लियरली दिखता है ना इसमें। तो देखिए, ये वाला जो लॉन्जिट्यूड है, जो अभी मैंने स्ट्रेट ड्रॉ करने की कोशिश की लेकिन स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हुआ, ये वाला लॉन्जिट्यूड है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं बेटा? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। जो कहेंगे कि यहां पर यूनाइटेड किंगडम है और यहां पे लंदन है, वहां से पास होता है, वहां पर एक मेट्रोलॉजिकल सेंटर है जो ग्रीनविच में है, तो वहीं से ये पास होता है, इसीलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रीनविच मेरिडियन, और वी कैन से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? गिव मी अ थम्स अप। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, ओके। अब इसके बाद, हम देखते हैं यहां से, अब ये वाला जो लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है, सॉरी ये वाला नहीं, यहां से जाती है, ठीक है, ये वाला लाइन, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये भी 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर है। ओके, क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? क्लियर है बेटा? ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ओके ओके, अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं ये इक्वेटर, तो ये इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक लैटिट्यूड है, और लैटिट्यूड मतलब अर्थ को हमने कितने लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया है? अर्थ को हमने कितने लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया है? कमेंट करो, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स दैट वी हैव डिवाइडेड द अर्थ गाइस। बहुत बढ़िया, 180 है ना, 180 है ना, बहुत बढ़िया। तो आप समझ लीजिए कि 90 इसके ऊपर और 90 इसके नीचे, ठीक है। अब ये लैटिट्यूड ही है या इक्वेटर ही है, जो एकमात्र ऐसा लैटिट्यूड है जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। द अपर वन इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न वन, जो डाउन वाला है वो क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है इतना? ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है?
गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है बेटा इतना? यस यस, ठीक है। ऊपर वाला क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला क्या होगा? सदर्न हेमिस्फीयर। भाई कौन सा लाइन डिवाइड करता है इसको? तो कहेंगे इक्वेटर। ओके, अब आगे देखिए क्या होता है। अब इक्वेटर है यहां पर, ठीक है, ये इक्वेटर है। अब इसके नीचे वाला लाइन, ठीक है, ये जीरो डिग्री है, तो इसके नीचे वाला लाइन क्या आएगा? वन डिग्री, है ना। उसके नीचे टू डिग्री, और ऐसे करते करते हम लास्ट में जब पहुंचेंगे यहां पे, जो अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यहां पर पहुंचेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम जब हम ऊपर से यहां पे से करेंगे तो ये आएगा 1 डिग्री, ठीक है, ये आएगा 1 डिग्री, ये आएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, एंड सो ऑन करते करते जब हम यहां पहुंचेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री। समझ रहे मेरी बात? क्लियर है बेटा इतना? गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है गाइस? ओके ओके, ठीक है। अब देखिए, अब इसके पीछे कुछ सफिक्स लगता है। सफिक्स क्या लगता है? देखो दोनों ही वन डिग्री है, ये भी वन डिग्री है, ये भी वन डिग्री है, तो इसको कुछ अलग करना पड़ेगा ना। तो हम क्या लिखते हैं यहां पर? अगर ये इक्वेटर के ऊपर है तो हम लिखते हैं वन डिग्री नॉर्थ। क्या लिखते हैं बेटा? वन डिग्री नॉर्थ। और इक्वेटर के नीचे है तो क्या लिखेंगे? वन डिग्री साउथ, ठीक है। वैसे ही ये क्या होगा? ये होगा टू डिग्री नॉर्थ, ये होगा थ्री डिग्री नॉर्थ, और ये होगा 90 डिग्री नॉर्थ। और वैसे ही ये टू डिग्री साउथ एंड थ्री डिग्री साउथ एंड सो ऑन, तो कब तक? 90 डिग्री साउथ तक। जस्ट हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए हमने क्या किया? नॉर्थ और साउथ इसके पीछे सफिक्स लगा दिया। क्लियर है यहां तक? गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है बेटा यहां तक? ओके ओके, ठीक है। अब ये कथा बंद हो गई, अब दूसरी कथा शुरू करते हैं। अब दूसरी कथा जो है वो ये है कि प्राइम मेरिडियन जो है, अब प्राइम मेरिडियन जो है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं की कर सकता मैं, तो मैं ऐसे कुछ कर देता हूं, ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन ही समझिएगा। ये क्या है? जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन। अब ये प्राइम मेरिडियन क्या करता है? ये अर्थ को डिवाइड करता है दो हिस्सों में, और ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं हम लोग ईस्ट, और ये वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं वेस्ट। क्लियर है इतना? गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है बेटा? गिव मी अ थम्स अप। ओके ओके, बहुत बढ़िया। सभी को, सभी का थम्स अप आना चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे मालूम पड़े कि भाई सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं दिव्यांशु का थम्स अप नहीं देख पा रहा। दिव्यांशु किधर है? ओके, नहीं समझ में आया तो बेटा मत दो, थम्स डाउन कर दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए समझा रहा हूं। ओके, कोई समझाएगा नहीं इतना डेप्थ में, फटाफट चैप्टर शुरू करेगा, खत्म कर देगा, तो आई नीड एवरीवन टू बी अटेंटिव। चलिए अब देखिए, तो अब यहां पर, अब देखो मैंने बताया था हमारे पास कितने लॉन्जिट्यूड्स है भाई, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स या हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड्स दैट वी हैव डिवाइडेड द अर्थ, बताइए। 360, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। 360 लॉन्जिट्यूड्स है, इसका मतलब हुआ कि 180 यहां पर और 180 यहां पर, है ना। क्लियर है? सहमत है आप मेरी बात से? 180 यहां पर और कहेंगे 180 यहां पर, सही है ना बेटा? राइट, अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ओके यस, अब देखिए, अब प्राइम मेरिडियन है तो यहां क्या होगा? यहां होगा 1 डिग्री, फिर यहां होगा 2 डिग्री, यहां होगा 3 डिग्री, यहां होगा 4 डिग्री, एंड सो ऑन करते करते जब हम यहां पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर यहां पर भी 1 डिग्री, यहां पर भी 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और ऐसे करते करते जब हम यहां पहुंचेंगे, व्हेन वी विल रीच हियर, इट विल बी आल्सो 180, इट विल बी आल्सो 180।
अब देखो सेम हो गया वापस से, है ना, 1 1 2 2 सेम हो गया। तो अब इसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके पीछे प्रीफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? प्रीफिक्स, ठीक है, सॉरी सफिक्स, प्रीफिक्स बोल दिया, सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स क्या लगाते हैं इसके पीछे? 1 डिग्री, ये कौन से साइड पे है? वेस्ट में है, तो 1 डिग्री वेस्ट, फिर 2 डिग्री वेस्ट, फिर 3 डिग्री वेस्ट, फिर 4 डिग्री वेस्ट, एंड वैसे ही 180 डिग्री वेस्ट। अब यहां पर भी 1 डिग्री है, अब इसको अलग करने के लिए क्या लगाएंगे इसके पीछे? सफिक्स, तो कहेंगे ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, आया समझ में? और वैसे ही 180 डिग्री ईस्ट, है ना। तो गिव मी अ थम्स अप, आया समझ में बेटा सभी को? गिव मी अ थम्स अप, फाइनली, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। अब देखिए, अब आती है डायरेक्शंस। क्या आती है बेटा? डायरेक्शन। तो अब देखो, पूरा अर्थ है, पूरा अर्थ है, इसको अगर हम 4 इक्वल हिस्सों में, यार गलती हो जाता है, 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा? नॉर्थ, नीचे आएगा साउथ, यहां आएगा ईस्ट, और यहां आएगा वेस्ट, है ना। ऐसे हम डायरेक्शंस देखते हैं ना, ये डायरेक्शन कैसी होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट, ठीक है, ये डायरेक्शंस है ऐसी। तो अब रशिया जो है, मतलब सॉरी एशिया जो है, एशिया पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि एशिया पूरी तरीके से कहां पर है? तो कहेंगे ईस्टर्न साइड में है। कहां पर है बेटा? ईस्टर्न साइड में, ठीक है, पूरी तरीके से तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत ईस्टर्न साइड में है। और वैसे ही जैसे मैंने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से अगर मैं आइलैंड्स को छोड़ दे, तो एशिया जो है वो पूरी तरीके से कहां पर है? तो कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। कहां पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्यों? क्योंकि इक्वेटर से ऊपर है एशिया, ठीक है, इसीलिए। अब आपको पता है हमारे पास है ना 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, जिसमें से ये वाला जो है इसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है, फिर इसके ऊपर ये वाला जो है इसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इसके ऊपर वाला ये वाला है इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, एंड द सेम टाइम यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये वाला जो है इसको कहते हैं हम लोग एंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, 3 या 5 ही है, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? ये है लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, और ये जो है 23.5 डिग्री साउथ में है, ये कहेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, और ये है 66.5 डिग्री साउथ में है। अब पीछे हम लोग इसके पीछे सफिक्स लगाते हैं जस्ट टू डिनोट दैट कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है। अब कथा आगे बढ़ाई जाए, अब जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लोकेशन ऑफ एशिया समझाना है। क्या समझाना है मुझे? अब जो इतनी सारी कथा की ना मैंने, ठीक है, इतनी सारी जो मैंने कथा की, राइट, जो फर्स्ट हाफ एन आवर, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर निकल गया अपना, है ना, तो ये सिर्फ ये टॉपिक समझाने के लिए, दैट इज लोकेशन ऑफ एशिया, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड में क्या है? एशिया लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड्स 10 डिग्री साउथ एंड 80 डिग्री नॉर्थ, ये याद रखिएगा, ठीक है, कोई भी याद रख लो इसको, 10 डिग्री साउथ एंड 80 डिग्री नॉर्थ। अब आते हैं यहां पर एशिया, क्या लिखा था? 10 डिग्री साउथ एंड 80 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये लिखा था, ये किसका था? तो कहेंगे दिस वॉज फॉर दी लैटिट्यूड साइड, राइट, लैटिट्यूड के लिए। अब आपको पता है कि ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे क्या आता है? सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के ऊपर क्या आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कितने लैटिट्यूड्स है? तो कहेंगे 180 है ना लैटिट्यूड्स, उसमें से 90 इधर, 90 इधर, राइट, क्लियर है बेटा? इतना गिव मी थम्स अप, आगे समझाता हूं इसके बाद, एक्चुअली समझाना ये नहीं है, तो ऑलरेडी समझा दिया मैंने, फटाफट रिवीजन कर लिया, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि 0 डिग्री के नीचे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते हमको क्या चाहिए? 10 डिग्री साउथ,
है ना। तो 10 डिग्री साउथ में, अरे गड़बड़ा गया, एक मिनट, हाँ इरेजर नहीं चल रहा मेरा, चलिए वापस सिखाता हूं। तो अब इक्वेटर था हमारा, क्या था ये, 10 डिग्री साउथ टू 80 डिग्री नॉर्थ, है ना, लैटिट्यूड्स, तो इक्वेटर है। तो इक्वेटर के 10 डिग्री नीचे जाइए तो 10 डिग्री साउथ, है ना, और इक्वेटर के 80 डिग्री ऊपर जाइए तो ये रहा 80 डिग्री, क्या है, नॉर्थ। तो इतना लंबा इसका क्या है, पूरा कहेंगे लेंथ है, किसका लेंथ है ये है एशिया का, किसका है बेटा, एशिया का। अब क्लियर है इतना, क्लियर है एशिया का, समझ में आया अभी, क्लियर है बेटा, गिव मी अ थम्स अप, यस यस। किसको समझ में नहीं आया, दे कैन से नो ऑल्सो, ओके, आया, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा अब देखिए, ये तो हुआ एशिया के बारे में बात, अब देखेंगे देखो ये क्या है, ये मैं ऐसे ना लाया हूं जस्ट फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एशिया कहां पर है, देखो ये रहा एशिया, कहां तक है ये एशिया, 80 डिग्री तक है, देखो दिख रहा है आपको 80 डिग्री नॉर्थ, यस। ये क्या है, ये जो लैटिट्यूड है ना बेटा, ये लैटिट्यूड देखो 0 डिग्री इक्वेटर है, 10, 20, 30, अब यहाँ पे तो छोटे छोटे इक्वेटर्स नहीं, यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए गए, लेकिन क्या है, सबके पीछे क्या लगेगा, नॉर्थ लगेगा, है ना, सबके पीछे कहेंगे नॉर्थ लगेगा, क्योंकि ये कहां पर है, इक्वेटर के ऊपर है, इसीलिए नॉर्थ लगेगा। अब देख सकते हैं कि एशिया तकरीबन 80 डिग्री नॉर्थ तक है, और यहां तो अब दिखेगा नहीं, लेकिन समझ लेते हैं कि एशिया कहां तक है, 10 डिग्री साउथ। तो इक्वेटर के, अब देखो मैंने आपको जो समझाया था वो यही था कि ऊपर जाएंगे तो 80 डिग्री नॉर्थ तक है, और नीचे जाएंगे तो कहेंगे 10 डिग्री साउथ तक है, ठीक है। ये हुआ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोई भी कंट्री का या कोई भी कॉन्टिनेंट का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब आते हैं हम लोग इधर, अब इधर समझिए, अब इधर कैसे समझना है, देखो इधर समझना है ये वाला पार्ट, 0 डिग्री यह है इक्वेटर। आप समझिए ये सारे जो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, इंडोनेशिया वगैरह, ये सब कहाँ आते हैं, ये सब आते हैं 10 डिग्री में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 10 डिग्री साउथ, ये रहा 10 डिग्री साउथ, ठीक है। अब सबसे ऊपर देखो ये रहा यहां पर ये वाला पार्ट, है ना, ये क्या होगा, ये होगा 80 डिग्री नॉर्थ। अभी क्लियर आया, अब पिक्चर क्लियर हुआ बेटा, गिव मी अ थम्स अप। इतना बड़ा मतलब इसका एक्सटेंट है, क्या है ये, एक्सटेंट, इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, ओके क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको समझाते समझाते इट टुक मी हाफ एन आवर, है ना। अब आगे देखते हैं क्या होता है, नो वंडर कि इतना जल्दी आपका सिलेबस कैसे खत्म हो जाता है फटाफट, और मैं पीछे रह जाता हूँ हमेशा, ठीक है, लेकिन इस बार मैं ट्राई करूंगा कि फटाफट आपको सिखाऊं। अब आगे देखते हैं, अब आते हैं हम लोग इसके लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट के बारे में, किसके बारे में, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट, ठीक है। तो अब वापस आते हैं आपकी बुक वाला जो लिखा था उसमें क्या लिखा है, लॉन्जिट्यूड तो कहां पर है, तो कहेंगे एशिया लाइज बिटवीन लॉन्जिट्यूड्स 25 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री ईस्ट, याद रखना है इसको, ठीक है, क्या है, 25 डिग्री ईस्ट टू कितना था बेटा, मैं भूल गया, मैं तो यहां पर मोबाइल का ओटीपी देखता हूं भूल जाता हूं, बहुत बढ़िया थैंक यू। कभी कभी तो ना मेरे मोबाइल में जो ओटीपी आता है ना वो भी मुझे याद नहीं रहता कि क्या ओटीपी था, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, इट वॉज 25 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री ईस्ट। आपको पता है जैसे अभी मैंने आपको सिखाया कि दिस इज प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के इस वाला हिस्सा, दिस साइड इज नोन एज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, एंड दिस पार्ट, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर मार्कर ऑफ द कलर कलर ऑफ द मार्कर, ये होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, लेकिन हमारा एशिया कहां पर है, पूरी तरीके से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री, ऐसे करते करते हम कहां पहुंचेंगे,
25 डिग्री ईस्ट तक पहुंचेंगे। और आपको पता है कि हम लोग के पास कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं, वी हैव 360 लॉन्गिट्यूड्स, 180 यहाँ पर, 180 यहाँ पर, सीधी सी बात है कि 25 डिग्री यहाँ पर होगा, और इसके साथ साथ कहेंगे कि 170 डिग्री यहाँ पर होगा, मतलब इस एरिया में कंप्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है हमारा एशिया। क्लियर हुआ इतना, गिव मी अ थम्स अप। क्लियर हुआ बेटा? Nancy, you have doubt? You have written doubt? What, beta? What? कि longitudinal क्या होता है? Longitudinal extent हमने देख लिया 25 degree east से लेकर कहेंगे कि 170 degree east। तो आप देखिए कि ये है हमारा prime meridian, है ना, यहां से prime meridian जा रहा है, ठीक है। थोड़ा लंबा इसको draw कर लेता हूँ, मैं free hand drawing सीधा नहीं कर सकता, I'll try। This is the prime meridian। सीधी सी बात है कि एशिया कहां से शुरू हो रहा है, तो एशिया शुरू हो रहा है यहां से, जैसे हम क्लियरली देख पा रहे हैं। तो पक्का है कि ये क्या होगा, ये होगा 25 डिग्री ईस्ट, है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बाद 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट वगैरह वगैरह, तो ये आता है 25 डिग्री ईस्ट। तो यहां से शुरू होकर हमारा एशिया जो है वो यहां तक है, और ये कौन सा है, तो कहेंगे कि 170 डिग्री ईस्ट, ठीक है, यहां तक है। आया समझ में? ये हमारा एशिया जो है वो पूरी तरीके से कहां पर लाई करता है, इट लाइज होली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे ये लाई करता है। क्लियर हुआ बेटा इतना? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो लॉन्जिट्यूड्स की बात करें तो देखो ये रहा लॉन्जिट्यूड्स, आप देख सकते हो ये है हमारा प्राइम मेरिडियन जो रेड में दिख रहा है, और फिर 10-10 डिग्री के अंतराल में, इंटरवल में क्या किया, यहां पर ड्रॉ करके रखा है ना, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा वेस्ट और ये वाला पार्ट होगा ईस्ट, है ना। तो इसके इसके पीछे क्या लगेगा, ये लगेगा वेस्ट, ये लगेगा वेस्ट, ये लगेगा वेस्ट एंड सो ऑन। यहां पर ये क्या लगेगा, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, है ना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का नेमिंग या फिर उनका लेबलिंग। ओके, आते हैं यहां पर, चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करके अब हम थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मुझे ये दिखाना है कि आपको सारा क्लियर दिखना चाहिए। देखो ये फोटो एकदम बढ़िया से लाया हूं, चुन चुन कर लाया हूं फोटो, बहुत मेहनत लगी है फोटो लाने में, फिर भी कुछ फोटोज में मिस कर चुका हूं, उसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जोड़ दूंगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है एशिया, ठीक है, एशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर, एशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ये दुनिया का कहेंगे कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या लिखा है, पॉपुलस भी इतना है। पॉपुलस मतलब क्या है, यहां पर पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा रहती है। क्यों रहती है, आपको पता ही है, बिकॉज ऑफ अस, दैट इज चाइना एंड इंडिया, ये दोनों कंट्रीज दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, और ये दोनों कंट्रीज कहां आती है, एशिया में आती है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। लोकेटेड प्राइमरीली ऑन द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब समझ में आया, ये प्राइम मेरिडियन है तो इसके ये साइड क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर ये इक्वेटर है तो इसके ऊपर क्या है, तो कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो प्राइमरीली कहां पर लोकेटेड है, पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इट कवर्स 8.6 ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया, और वी कैन से 29.9% ऑफ द लैंड एरिया, विथ अप्रोक्सीमेटली 4.73 बिलियन पीपल इन 2011। इट होस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स करंट ह्यूमन पॉपुलेशन। सोचिए कि दुनिया में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 60 लोग तो कहां रहते हैं, एशिया में ही रहते हैं, इतना पॉपुलेशन ज्यादा है एशिया का। एशिया कंसिस्ट ऑफ 48 कंट्रीज, 4 डिपेंडेंट एंड 7 अनरिकॉग्नाइज्ड रीजन्स। एशिया इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 6 सब रीजन्स। अब ये एशिया है ना, ठीक है, इसको 6
दूसरे सब रीजन्स में डिवाइड किया है, किसमें डिवाइड किया है, 6 सब रीजन्स में, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है वो सब रीजन्स। अच्छा अभी तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आया है, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है, तो अभी पढ़ लेता हूं, समझाऊंगा नहीं, ठीक है, राइट। सो लैटिट्यूड, एशिया इज लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सेप्ट अ फ्यू आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया विच लाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि कुछ इंडोनेशिया के, ये देखो इंडोनेशिया ये रहा है ना, नीचे जहां पर मैं सर्कल कर रहा हूं ना, मार्क कर रहा हूं, दिस इज इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो इक्वेटर के नीचे है, देखो इक्वेटर के नीचे है ना इंडोनेशिया के आइलैंड्स, तो इक्वेटर के नीचे है, मतलब ये कहां पर आ गया, साउथ में आ गया, है ना। लेकिन प्राइमरीली, ठीक है, पूरी तरीके से एशिया कहां पर है अगर देखा जाए तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अबाउ इक्वेटर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इंडोनेशिया के कुछ ऐसे कहेंगे कि आइलैंड्स है जो आप देख सकते हो जो कहां पर है, इक्वेटर के नीचे है, इसीलिए वो 10 डिग्री वाला जो था ना, 10 डिग्री साउथ वाला, ठीक है, 10 डिग्री साउथ वाला, बस वो इसी के लिए एक्स्ट्रा हो गया है, वरना हम लोग कंप्लीटली, मतलब एशिया कंप्लीटली कहां लाई करता, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता, ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एशिया लाइज बिटवीन लैटिट्यूड्स 10 डिग्री साउथ टू 80 डिग्री नॉर्थ। लॉन्जिट्यूड, एशिया लाइज ऑलमोस्ट एंटायरली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ रशिया एक्सटेंड्स इनटू द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एशिया लाइज बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स या लॉन्जिट्यूड्स 25 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर है, इतना क्लियर होना बहुत जरूरी था, इसीलिए सब कुछ समझाया। अब आगे देखते हैं पॉलिटिकल डिविजन्स, ओके, पॉलिटिकल डिविजन्स देखना है तो देख लेते हैं, बाकी ये आपके बुक में एक्स्ट्रा था, लेकिन थोड़ा बहुत पॉलिटिकल डिविजन्स देखते हैं क्या है, ठीक है। ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, अब देखो ईस्ट साउथ ईस्ट ये पहले समझना पड़ेगा, ठीक है, ईस्ट साउथ ईस्ट क्या होता है। तो देखो यहां पर आप समझिए, जैसे कि मैंने बार बार ड्रॉ किया है डायरेक्शंस, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, एंड दिस इज वेस्ट। अब इसके बीच में ये क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या आएगा, साउथ ईस्ट, ये क्या आएगा, साउथ वेस्ट, और ये क्या आएगा बेटा, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है इतना, ये डायरेक्शन क्लियर है, पहले डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन क्लियर है बेटा, गिव मी अ थम्स अप, यस, डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है, ओके, यस यस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ईस्ट एशिया, अब ईस्ट एशिया में इट इज मेड अप ऑफ कंट्रीज लाइक जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, ठीक है, दिस इज नोन एज फार ईस्ट। तो आप देख सकते हो, देखो दिस इज एशिया, एशिया के ईस्ट में, तो दिस इज ईस्ट, राइट। तो ईस्ट में आपको क्या मिलता है, ईस्ट में मिलता है जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, है ना, फिलीपींस, दिस इज तो साउथ ईस्ट में आ गया, लेकिन ताइवान, ठीक है, ये सारे एरियाज कहां पर है, ये सारे एरियाज ईस्ट में है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, इट कंप्राइजेस ऑफ कंट्रीज लाइक म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो अब देखो यहां पर है साउथ ईस्ट एशिया, अब साउथ ईस्ट एशिया क्या होता है भाई साहब, तो देखिए ये है आपका ईस्ट, ये है आपका साउथ, और ये है आपका साउथ ईस्ट। तो अब देखो ये रीजन में कौन से है कंट्रीज, तो देखो यहां पर देखो वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, है ना, तो ये सब क्या है, ताइवान ऑलमोस्ट, ठीक है, तो ये सब साउथ ईस्ट कंट्रीज है बेटा। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, गिव मी अ थम्स अप, आ रहा है समझ में बेटा, ठीक है, बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा ना मैं, एम आई गोइंग टू फास्ट, नो, ओके ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है साउथ एशिया, अब साउथ एशिया में क्या है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान वगैरह वगैरह, ठीक है, दिस आर नोन एज सार्क कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं साउथ एशिया, अब साउथ में देखो, अभी अगेन वी हैव टू ड्रॉ दिस वे, ये है, ये है, तो ये साउथ है, तो साउथ में क्या है, तो साउथ में देखो हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश वगैरह, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब क्या है,
सेशल, सेशल तो अपना ही है शायद, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये साउथ एशिया है। अब आते हैं सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया है नहीं, सेंट्रल एशिया नहीं होगा, साउथ वेस्ट एशिया। अब साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया में क्या है? सऊदी अरब, यमन, ओमान, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट दैट इज यूएई, कुवैत, इराक, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, लेबनान, तुर्की, ठीक है। तो अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, ठीक है। तो ये वेस्ट ही था ना, क्या था? हाँ, साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। तो साउथ वेस्ट एशिया ये रहा, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट है ना, इसको साउथ वेस्ट एशिया बोलते हैं। क्या आता है इसमें? तो कहेंगे ये रहा इराक, ईरान, सीरिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई वगैरह वगैरह, सो जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, ये सब यहाँ पर है। तो ये है साउथ वेस्ट, ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं इसके बाद रशिया। एक पूरा है रशिया। रशिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कंट्री है, जो दो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, यूरोप और एशिया में। तो आप देख सकते हैं ये है रशिया, ठीक है। और रशिया जो है आधा यूरोप में भी है, और इसको डिवाइड, मतलब एशिया जो रशिया है ये दो कॉन्टिनेंट्स में है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है। एक ऐसी कंट्री है जो सबसे लंबी कंट्री है और सबसे बड़ी कंट्री है ऐसी, ठीक है। अब इसको डिवाइड कौन करता है? यूराल माउंटेन्स। ये यूराल माउंटेन्स जो है ना, यूराल माउंटेन्स एंड यूराल रिवर ऑल्सो, ठीक है। ये क्या करती है? ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। क्या करता है? इट डिवाइड्स द एशिया एंड यूरोप। कहाँ पर? यूराल माउंटेन्स। ये जो यूराल माउंटेन्स है ना, यूराल माउंटेन्स भी है और यहाँ पर यूराल रिवर भी है, और ये एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, व्हाट्स रिटन इन 1991 यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, यस, और ये सेंट्रल एशिया बन गया इनटू 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स। 1991 में क्या हुआ? जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, यूएसएसआर को क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस या सोवियत रशिया, ठीक है। तो ये रशिया 1991 में विभाजित हो गया, डिवाइडेड हो गया। कितनी कंट्रीज में? 15 कंट्रीज में, इनटू 15 न्यू कंट्रीज। और ये 15 कंट्रीज कौन सी है? तो कहेंगे अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। तो ये स्तान स्तान वाले जो है बेटा, ये रहे, ठीक है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओके, किर्गिस्तान, फिर अजरबैजान। कहाँ गया अजरबैजान? यहीं कहीं था अजरबैजान, ये रहा अजरबैजान, छोटा सा है, आर्मेनिया, जॉर्जिया। तो ये सारा यूएसएसआर डिवाइड हो गया, ओके, इन 1991। और ऐसे 15 देश यहाँ पर, 15 कंट्रीज बनती है नवी। चलिए अब आते हैं थोड़ा, 5 मिनट और, ठीक है। आई होप यू आर नॉट बोर्ड। बोर लग रहा है बेटा? बोरिंग लग रहा है? स्टूडेंट्स गिव मी 5 मिनट्स मोर, ओके। 5 मिनट के बाद मैं लेक्चर खत्म करता हूं, ओके, यस, ओके। देखो बाउंड्रीज देखते हैं, बाउंड्रीज। तो नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशन। ईस्ट में क्या है? पैसिफिक। साउथ में क्या है? इंडियन ओशन, ठीक है। तो अब ये चीज बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये है वाटर बॉडीज। क्या है बेटा? ये सारी वाटर बॉडीज है, लार्जेस्ट वाटर बॉडी, वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, ठीक है। इन द वेस्ट द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, जो अभी समझा ना मैंने आपको, देखो वही लिखा है, द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स, यूराल रिवर एंड कैस्पियन सी, ओके। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। देखो नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन। ईस्ट में क्या है? ईस्ट में है पैसिफिक ओशन। साउथ में क्या है? साउथ में है इंडियन ओशन। ये इसकी बाउंड्रीज है। आया समझ में? गिव मी अ थम्स अप। समझ में आया बेटा? ओके ओके, चलिए अब देखते हैं वेस्ट में। तो वेस्ट में क्या है? यूराल माउंटेन है। देखो ये रहा यूराल माउंटेन, फिर यहीं पर अभी दिखेगा नहीं लेकिन है यहां पर, समझ लीजिए है, यूराल रिवर भी यहीं पर है। और ये देखिए ये क्या है? ये है कैस्पियन सागर। क्या बोलते हैं इसको? कैस्पियन सी, ठीक है। ये रहा कैस्पियन सी, ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है? ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। किससे अलग करता है बेटा? यूरोप से अलग करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही समझाना है, बाकी में हम लोग फोर्थ पॉइंट से शुरू करेंगे, कोस्ट लाइन से, ठीक है। कोस्ट लाइन से हम लोग देखेंगे, ठीक
ओके चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अप टिल देन बाय बाय।